आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नॉनवेज कैसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। जब हम नॉनवेज बोलते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एग, फिश और चिकन। आपको मटन यानी कि रेड मीट नहीं खाना है। चिकन को जब हम बोलते हैं खाने तो आपको चिकन विदाउट स्किन लेना है और ब्रेस्ट पार्ट लेना है। चिकन ब्रेस्ट लीन प्रोटीन होता है, इसलिए चिकन ब्रेस्ट ही आपको लेना है। जब भी आप कोई एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा 1:4 के रेशियो में लेनी है। यानी अगर आप एक पार्ट नॉनवेज का ले रहे हैं या एनिमल प्रोडक्ट का ले रहे हैं तो 4 गुना उसमें वेजीज होनी चाहिए। अगर आप ये रेशियो याद रखेंगे तो कभी भी आपको वो हीट नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा और बॉडी में एसिडिटी नहीं करेगा। तो जब भी आप एक पार्ट नॉनवेज का लेते हैं तो उसमें 4 गुना वेजिटेबल ज़रूर ऐड करें। एक पार्ट यानी कि एक सर्विंग अंडे के केस में 1 एग है, चिकन के केस में 40-50 ग्राम चिकन है और फिश के केस में 70 ग्राम फिश है। ये हमारा एक सर्विंग का नाप है। इसमें वेजिटेबल आपको 4 गुना ऐड करनी है, यानी कि 200 ग्राम से भी ज़्यादा वेजिटेबल एक अंडे के पीछे ऐड करनी है। आप इसे वेजिटेबल के साथ कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसे डीप फ्राइड नहीं करना है। आपको चिकन या फिश को बिना डीप फ्राई किए बनाना है और आप इसे वेजीज के साथ किसी भी रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। हम आपको नॉर्मली इसका ग्रिल्ड, टिक्का और सॉटे फॉर्म देते हैं। बॉइल्ड, ग्रिल्ड और सॉटे, टिक्का फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसकी बहुत तेल वाली ग्रेवी बनाकर, मसालेदार ग्रेवी बनाकर रोटी के साथ नहीं खाना है जब तक हमने उसमें रोटी नहीं दी गई हो। अगर हमने रोटी दी है तो फिर आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पर रोटी के साथ खाने से ये कॉम्बो मील बन जाता है। इसीलिए जैसा आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो वैसा ही आपको लेना है। जब भी आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। इस तरह से आप नॉनवेज बड़ी आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने वेट लॉस की जर्नी को स्पीड अप कर सकते हैं।